कैपिटल और स्मॉल एम को कॉरस्पॉन्डिंग M1 और M2 से रिमूव भी कर दें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। सो आप इसको, आपका जो यहाँ पे बेटा ये डिस्कशन है जिसमें आपने मासेस को M1 और M2 से अगर रिप्लेस करना भी है तो आपके पास जो F है ये G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अब आइए बेटे इस आइडिया को अप्लाई करके देखें फ्यू केसेस में कि अगर आप ये वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स जो आपको दिए गए होंगे प्रेजेंटली उनमें अप्लाई करना चाहेंगे तो किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएंगे। लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दैट। सो बिफोर वी प्रोसीड विद द एप्लीकेशन पार्ट लेट मी अगेन हैव द स्टेटमेंट पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू विच एनी टू ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स दे अट्रैक्ट ईच अदर विद सम वीक फोर्स मॉर्निंग एंड सर। दैट वीक फोर्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मासिस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली डिपेंडेंट अपॉन द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। इनको फिर हमने कंबाइन करके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी को भी डिफाइन किया था। कैपिटल जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर ये आपने कल कर लिया था। तो अकॉर्डिंगली बेटा वी विल बी नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। सो आइए देखें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या लाइट ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एट सम लेस डिस्टेंस अपार्ट वो कितना है और लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट से बीच में कितना है। आइए देखें बेटे वन बाय वन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लाइट ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हाँ जी एप्लीकेशंस लिख लीजिए आप वही कह लो आप ईच अदर। इमेजिन कर लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट बेटा 1 किलोग्राम मास का है ये और स्टिल आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है इसका मास भी 1 किलोग्राम का है और आपने इनको सेंटर टू सेंटर 1 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर रखा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जी M1 M2 अपॉन R के स्क्वायर के बराबर का होगा। M1 आपका 1 किलोग्राम है M2 भी आपका 1 किलोग्राम है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल जी 6.67 × 10⁻¹⁻ इट इज वेल नोन टू यू। M1 आपका कितना है 1 kg इसकी वैल्यू पुट कर दो। M2 अगेन 1 kg इसकी भी वैल्यू पुट कर दो और बेटे दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। तो इन द डिनोमिनेटर इट विल बी स्क्वायर ऑफ 1 है ना बेटा। तो फोर्स फिर जरा देखोगे सॉल्व करके कितना बना सारे बच्चे। हाँ ये लगा हुआ है वो ही निकाल रहे हैं। बिल्कुल डिपेंडेंट अपॉन द मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर मास ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा होगा डिस्टेंस कम होगा तो भी ज्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। कितना बना ये 10⁻¹⁻
यूनिट्स, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर कहां से आ गए? अकेले न्यूटन ही आएंगे ना, 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन इतना फोर्स लगेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, अगर दोनों 1 किलोग्राम के होंगे और दोनों के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर। अब देखो माइनस इलेवन का मतलब है 0.00011 टाइम्स, तो ये कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, बड़ा वीक फोर्स है, और इतना ज्यादा वीक फोर्स है कि पता ही नहीं चलता कि फोर्स लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में बात करें तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा लार्ज होता है, तो ये नेगेटिव पावर माइनस इलेवन जो है इस फोर्स को बड़ा छोटा कर देती है। और प्रैक्टिकली जैसे आप भी दो दो रोज में बच्चे बैठे हो, आपके बीच में डिस्टेंसेस हैं 1 मीटर के करीब ही होगा, आपके बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है, वो बहुत वीक है, और यू वेल कैन इमेजिन दैट बेटे आपको पता ही नहीं चल रहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है भी कि नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड बड़ा थोड़ा है, छोटा है, कम है, दैट इज वाई वी आर नॉट नोटिसिंग दिस बेटे। सो अगर एक मास आपका बड़ा कर दें एक छोटा कर दें, आइए सेकंड केस देखते हैं फिर कितना फोर्स होता है। करें स्टार्ट आगे बेटा, लिखिए हेडिंग अगला, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, ज्यादा होगी ना, डायरेक्ट डिपेंडेंस है। ये देखो अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, आइए देखते हैं। हाँ है, अट्रैक्शन बहुत वीक है, इतनी है नहीं, ज्यादा नहीं बेटे, आपका मास ज्यादा है लेकिन फिर भी ये उसको ज्यादा नहीं होने दे रहा। ये पावर जो है माइनस इलेवन ना, ये आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा नहीं होने दे रहा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, आप चिंता क्यों करते हो। लिखिए सेकंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 light and 1 heavy object, 1 light and 1 very heavy object। जैसे आप बोल रहे हो एक हम अर्थ ले लेते हैं, एक 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ले लें, अर्थ की सरफेस पे हमने, आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, आप कोई कहते हैं कि मुझे ये 1 किलोग्राम चीज चाहिए, उनके पास वो 1 किलोग्राम का ब्लॉक होता है पड़ा, वो उसके साथ आपको बैलेंस करके दे देते हैं। आप इमेजिन कर लो वो 1 किलोग्राम का ब्लॉक आपने अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है, आइए देखें इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना निकल के आता है। अर्थ का मास 1 किलो नहीं है, एक अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थ का मास कितना है, कल निकाला था आपने? नहीं निकाला, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये आपका अपना प्लेनेट अर्थ, ये सेंटर ऑफ द अर्थ मान लो। अर्थ का मास बेटे अगर आपको नहीं याद तो याद रखिएगा, 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम होता है, बहुत ज्यादा मास है ये, ठीक है। आपने अर्थ की, अर्थ का रेडियस पता है आपको? नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब याद रखिएगा, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, याद रखिएगा इसको, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर का रेडियस है अर्थ का, याद रखिएगा। अर्थ की सरफेस पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा, 1 किलोग्राम मास है इस ऑब्जेक्ट का, तो आपका देखो अब m1 कितना हो गया, 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम हो गया, m2 कितना हो गया, 1 किलोग्राम हो गया बच्चों, और इनके डिस्टेंस सेंटर्स के बीच में कितना है, अर्थ के रेडियस के बराबर ही रह गया ये तो, ऑलमोस्ट इट विल बी 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। तो अब आप क्या करिए, इनको सबको बेटा ये जो हमारा फॉर्मूला है जी
एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और निकाल लेते हैं कि कितना आता है। ठीक है जी, एफ विल बी इक्वल टू 6.67 10 रेस पर माइनस 11 6 10 रेस पर 24 एम टू कितना है 1 और डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर दें ये आ गया जी, चेक करिएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को एंड लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग। एफ आ गया 6.67 ये उठा लिया मैंने, ये भी 6 उठा लिया, इन द डिनोमिनेटर 6.4 ये भी दोनों उठा लिए, 10 की पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, माइनस 11 24 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस का है ये डिनोमिनेटर में है, ऊपर आकर माइनस के हो जाएंगे, चेक करिए राइट और नॉट। एफ आपके पास आ गया 6.67 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 10 रेस पावर कितना बन गया 12 और माइनस 11 माइनस 23 ये प्लस का 24 1 को रहने देता हूं मैं, ऐसे ही रहने दूं। अब सॉल्व करिए इसको फटाफट, हरी अप ऑल ऑफ यू, निकाल कर बताइए कितना आ रहा है सारे बच्चे। और लिख के करना है गुड़िया, वो बुक पकड़ाना जरा, हरी अप ऑल ऑफ यू बेटा, चेक व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। हाँ जी बेटे, हो गए ठीक है। अब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो वो भी सॉल्व करो ना बच्चे, ऐसे मत कहो, आप पूरा आंसर निकालिए। हाँ जी, रोल नंबर 11 बैठा है इधर, कितना आ रहा है आंसर आपका 11 रोल नंबर सर? 9.77 रोल नंबर 11 कोई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है, नॉट गुड साइन। धीरेन सर, एक्सक्यूज मी सर, वो आप कहां से आया, आपके सामने आया है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, ये जी था, भूल गए, भूल गए ना फिर। हेलो 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 हेलो, ना ना ना, पिछले चैप्टर को छोड़ दो, अब आप अगले पे आ जाओ। डियर चिल्ड्रन, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। सर कैन यू हियर माय वॉइस? नहीं नहीं, वो कुछ भी चाहिए, पूरा पूरा चाहिए, ऐसे नहीं कहना है नाइन कुछ आ रहा है, आएगा नहीं तो आप जितना आता है उतना बता दो, कोई बात नहीं फिर पूरा कर देते हैं उसको। सर वेरी गुड, बी क्विक सर। हाँ जी, सो कैन यू हियर माय वॉइस? कौन सा क्या लिखी है? ये जी की वैल्यू आ गई, ये एम वन आ गया, ये एम टू आ गया, ये आर आ गया, बस इसके आगे ये जो नॉन पावर्स हैं 10 की, इनको एक जगह लिख लिया, 10 की पावर्स को एक जगह लिख लिया बस, और कुछ भी नहीं किया बेटा मैंने,
बाकी आप ही कर रहे हो, जरा तगड़े होके कैलकुलेशन करिए आप तो, देखो ऐसे टाइम लगा रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये किसी ने निकाला था आंसर इधर, 9 सर, 9.77। यस यस, बहुत बढ़िया, ये 0.98 इंटू 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन। तो अर्थ जो है बच्चों, जो अर्थ है अगर आप उसकी सरफेस पे 1 किलोग्राम का ब्लॉक रख दोगे ना मास वाला, तो वो इसको इतनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो यू कैन वेल इमेजिन अर्थ कितना बड़ा है, तो भी फोर्स कोई बहुत ज्यादा है कि नहीं, नहीं है। तो अब आइए मैं आपको, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का पहला एग्जांपल है, दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना फोर्स होगा, कैसा होगा, आइए वो भी देखिए। कर दूं अब इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी हाँ जी, 9.7 या 8 जो भी आपका आ रहा है आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अगर आपका 7 आ रहा है आप 7 लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एग्जाम्पल 10.1 आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है ये। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10^24 kg। ये अर्थ का मास है आपको पता है, एंड द मास ऑफ द मून इज 7.4, इसको मैं छोटे एम से लिख देता हूं, × 10^22 kg। अर्थ मून से करीब करीब 100 times ज्यादा मासिव है, ये पावर को देख के अंदाजा लगा सकते हो आप। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 3.84 × 10^5 km, देन कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। तो अर्थ मून को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, किलोमीटर के मीटर बनाने पड़ेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा 3.8 × 10^8 meters। आप डायग्राम भी बना सकते हो एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं इसको। ये अर्थ है और किसी इंस्टेंट पे मान लो ये मून है, सारे पर्टिकुलर्स आपके पास हैं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको निकालना है, एफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लगाएंगे। अब तो सिंपल वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट करनी है, आइए करें। एफ विल बी इक्वल टू 6.67, 10^-11, अर्थ का मास 6 × 10^24, मून का मास 7.4 × 10^22, एंड इन द डिनोमिनेटर 3.8 × 10^8 इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको जो 10 की पावर्स हैं अलग कर लो, जो नॉन पावर्स हैं अलग कर लो, आइए देखें। इट विल बी 6.67, ये उठाया, देन ये उठा लिया, देन 7.4 इन द डिनोमिनेटर 3.8 10 की पावर -11 एक, 24 एक, 22 एक, ये आ गया। नाउ सॉल्व इट फर्दर ऑल ऑफ यू। ये 27 बन गया ना माइनस का, ये
ये माइनस का 27 बन गया ना, और ये प्लस का 66, कितना बना? हाँ, दिस इज 46 नॉट 66, 19 आ जाएगा ना बेटा. सो ये देखो कितना आता है, इसकी पावर 19 कर देते हैं फिर. करोगे आप लोग सॉल्व बच्चों? इट विल बी 6.67, 6.0, 7.4, 3.8, 10 रेस पर 19, है ना? ये तो करीब करीब इतना आ गया, ये आ गया. लगभग इतना आ गया. ये आ गया 2.1 इंटू 10 रेज़ पर 20 न्यूटन आ गया. लेट मी मेक द आंसर. ये एग्जैक्टली सेम ही आ रहा है यहाँ पे. 2.01 इन्होंने लिखा है, हमने थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट कर दिया इसलिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा. उनका आंसर आ रहा है 2.01, हमारा आ रहा है 2.1, वन एंड द सेम थिंग ही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो यू कैन वेल इमेजिन कि अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बड़े बड़े साइज के हों तो कितनी ज्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. यू कैन सी दिस लार्ज 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 पावर. 2 के साथ 20 जीरोज लगा लो, इतनी फोर्स के साथ अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है. अच्छा फिर एक बात बताइए, अर्थ के ऊपर मून गिर क्यों नहीं जाता भाई? द्वारा 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 बोलिए, उठ के बोलिए, ऐसे मजा नहीं आया. यस यस यस, बैठिए. ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन द अर्थ एंड द मून, इसकी वजह से देखने में तो समझ में यही आता है कि अर्थ इतनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है मून को, तो अर्थ पे गिर जाना चाहिए. गिरता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज यूज टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मून विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून टू रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. नहीं तो इतनी बड़ी फोर्स के साथ अगर मून अर्थ पे गिरेगा तो अर्थ भी नहीं बचेगा, बहुत ज्यादा फोर्स है ना ये. तो फिर हुआ क्या, ये सारी की सारी फोर्स मून को ऑर्बिट में घुमाने में क्या हो गई, यूज हो गई है, यूटिलाइज हो गई है. सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है ये, राइट? यस. वैसे नहीं, नीचे करके बोलो. बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं, और आदर आपको निकालना ही चाहिए. आपकी बुक में क्वेश्चन है भी ये कि अर्थ और सन के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस आपको दिया गया है, इनके मासेस आपको दिए गए. कोई क्वेश्चन होगा मैं बाद में करवाऊंगा, आप पहले ही कर लेना. उनके बीच में आप अट्रैक्टिव फोर्स निकालिए कितना है, और सेकेंडली जस्टिफाई कि अगर अर्थ को सन इतनी ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो सन अर्थ के ऊपर गिरती हो नहीं जाती. अगर गिर जाएगी तो सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कोई बचेगा नहीं. बट जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट इज यूज टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सो दैट द अर्थ कैन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट अराउंड द सन. इसी वजह से आपके डिफरेंट डिफरेंट जो सीजन्स हैं, कभी गर्मी आ गई कभी सर्दी आ गई, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आपके बनते चले जाते हैं, राइट? चले आगे आप. ऑल राइट. अच्छा भी रहता है,
कर लीजिए जल्दी से बेटा। हाँ जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। दिस गर्ल ऑल वेल ऑल राइट एंड ऑल क्लियर है ना। चलिए बेटे आगे चलते हैं। देन इसके बाद बेटे हमारे पास बात आ जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे इसका वेरिएशन होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसकी वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। आइए बेटे देखें, सोचें समझें इसके बारे में। आज 11 रोल नंबर की आवाज नहीं आई है और आज कुछ उसने कहा नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर हिज व्यूज। आ जाइए आगे चलते हैं बेटा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और कैसे ये वेरी करेगी। आइए देखें बेटे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसके बारे में जरा डिस्कशन करके देखते हैं। इमेजिन ये आपका प्लेनेट अर्थ है। कितने पीरियड होते हैं वीक में, तो क्या करना है हमें? यस, ये सेंटर ऑफ अर्थ आ गया जी। अर्थ का रेडियस किसी को याद है कि भूल गए? थम्स अप फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू थम्स अप। लिसन नाउ, मैं अभी मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए, ऐसे ही आर ही लिख देता हूँ, ठीक है। और अर्थ का मास, अगेन थम्स अप फॉर यू, तो अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं एम ही लिख देता हूँ, ठीक है। सो अर्थ की सरफेस पे इमेजिन कर लेते हैं, आपका एग्जांपल ले लेते हैं कि ये बच्चा चलो बैठा है, यहाँ आप बैठे हैं, सरफेस पे बैठे हो ना आप अर्थ की, तो आपका मास अर्थ के मास के कंपैरेटिवली ज्यादा है कि कम है? बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं बहुत ज्यादा है, कम है, ठीक है ठीक है, कम है ज्यादा नहीं है। इसको स्मॉल एम कह दें, छोटे से हम अर्थ है, कंपैरेटिवली छोटा सा हमारा मास, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और ध्यान से सुनिएगा, जब आप अर्थ की सरफेस पे बैठे हो, चाहे चेयर पे भी बैठे हो, इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली आपका साइज तो कुछ भी नहीं है, तो हमारे बीच में और अर्थ के बीच में, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस ऑलमोस्ट आर ही रह गया है ना, क्या कहते हो? ठीक कहते हैं। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में, आपके बीच में और अर्थ के बीच में कितना हुआ गुड़िया? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पर्सन एंड द अर्थ। नहीं यार थोड़ी होगा। यस बैठिए, दो ही पीरियड होते हैं, ध्यान रखा करो। जी एम एम, इसको इक्वेशन नंबर वन कह दें। और ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप सरफेस ऑफ अर्थ पे जब प्लेस कर देते हो, उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, ठीक है जी। कल हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात की थी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू जी कहा था। इनको दोनों को कंपेयर कर दें बच्चों, एम इंटू जी, ये इतना आ गया, ये एम कट जाएगा, दोनों तरफ कॉमन है, तो स्मॉल जी किसके बराबर आ गया? जी इनका पता है ना आपको, ये क्या क्या है? बड़े वाला जी क्या है, क्या नाम है इसका, मैं भूल गया नाम, नाम
ना 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 ना, बड़े वाले जी का नाम क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट। और बड़े वाला क्या है? किसका? शांत शांत शांत। और बड़े वाला आर किसका? वेरी नाइस वेरी नाइस। सब ध्यान दीजिएगा। और इसका मतलब है कि जी बड़े वाला जी तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बदलना नहीं है, इसकी तो बात करने का फायदा कुछ नहीं है। स्मॉल जी अर्थ के मास पे भी डिपेंड करा और अर्थ के रेडियस पर इनवर्सली स्फीयर पर डिपेंड करा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अर्थ का रेडियस हम उतना ही रखें, हम वैसे कर नहीं सकते ऐसे, अगर अर्थ का रेडियस मान ली उतना ही है, मास डबल हो जाए तो जी क्या हो जाएगा? डबल। हम ऐसा कर थोड़ी सकते हैं, इमेजिन ही कर सकते हैं ना। अगर मास को कुछ ना करें, रेडियस को हाफ कर दें, फिर जी को क्या हो जाएगा? ना 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 ना, फोर टाइम्स हो जाएगा, है ना। बट हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ऐसा सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं ये कह रहा था कि अगर आप अर्थ के रेडियस को बिना चेंज किए ये इमेजिन कर लें कि मास डबल हो रहा है, तो जी भी डबल हो जाएगा। फिर आपको अर्थ ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, आपका वेट वेइंग मशीन ज्यादा शो करेगी। अगर मास सेम रह जाए, अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए, तो भी जी फोर टाइम्स हो जाएगा। स्केयर है ना, तो 1/2 का स्केयर 4 हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 4 टाइम्स। सो ये अदरवाइज पॉसिबल तो नहीं है, बट हम ऐसे केसेस को इमेजिन करके अपना जो कैलकुलेशन वर्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। राइट बेटा, क्लियर टू ऑल? सो अब आप लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट, देयरफॉर द फैक्टर्स अपॉन विच, द फैक्टर्स अपॉन विच स्मॉल जी डिपेंड्स आर, डिपेंड लिखना, डिपेंड्स मत लिखना, आर फर्स्ट है मास ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात ना कर रहे हो, किसी और प्लेनेट की बात कर रहे हो, तो प्लेनेट लिख सकते हो। सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द अर्थ या प्लेनेट। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, अर्थ का मास भी, अर्थ का रेडियस भी, सन का मास भी याद कर लेना और मून का मास भी याद कर लेना, ये रेडियस भी याद कर लेना, अभी नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आराम से जरा। एक मिनट यार, इसको बोल, दोबारा बोलो, आपको मास थोड़ी कोई पूछेगा, मास तो आपको गिवन होगा अगर कोई चीज पूछेंगे। वैसे आपको कैलकुलेशंस में अर्थ का मास और रेडियस भी गिवन होता है, बट फिर भी क्योंकि आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, साइंस पढ़ रहे हैं बड़े जोर शोर से, आपको ये चीजें आनी भी चाहिए। ये ना हो कि आपको अर्थ का मास देखने के लिए बुक खोलनी पड़ जाए कि देखेंगे कितना है, मुझे भूल गया है, ऐसा नहीं कहना। अर्थ का रेडियस और मास तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए, अगर मून का और सन का भी कर लोगे तो दैट विल बी द विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल, राइट? हाँ, ये आपका वेट, ये मास इनटू जी, दिस इज द फोर्स विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ जी, थैंक यू ऑल बेटा। Thank you.